हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ बैठे हैं पंकज भाई, जो कि नवी मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से कुछ 5.5 महीने पहले करवाया था, जिसके अंदर इन लोगों को 2500 के अराउंड ग्राफ्ट लगे थे। अब इन पंकज भाई से हम थोड़ी बात करते हैं, जानते हैं कि इन्हों को कैसा लगता है आज की तारीख में और कैसा लगता था पहले की तारीख में जब इनके बाल नहीं थे। पंकज भाई पहले स्वागत है आपका चैनल में। आप बताओ साहब कि आपको कैसा लगता है आज की तारीख में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद? बहुत अच्छा फील होता है। पहले जितना कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने में, अभी आजकल बहुत कॉन्फिडेंस आता है। या फैमिली किधर जाना चाहता है या ऑफिस का कुछ फंक्शन वगैरह रहता है तो बहुत सारा अच्छा फील होता है। पहले बोलते कि यार नहीं जाऊँ, छोड़ दो, अवॉइड करते थे। अभी बोलते कि चल दिखते हैं, हम लोग अच्छा है अपना जाना चाहिए ऐसा फील होता था अभी। अच्छा, तो जब आपके बाल गंजे थे तो आपको कभी सोचा था आपने, जब आप धीरे धीरे गंजे होते जा रहे थे, कि क्या आपके कभी बाल वापस आ पाएंगे? ट्रीटमेंट किया था बहुत साल पहले, मतलब कुछ थेरेपी लिया था, कुछ मेडिसिन लिया था, उसके कुछ नहीं हो रहा था। एक बार आपका वीडियो देखा था, आपका चैनल सब्सक्राइब किया था और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि आ सकते हैं बाल। फिर डॉक्टर को एक बार विजिट किया सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। अच्छा। फिर बोला कि नहीं करना ही है, फिर एक फिर आके फिर करवा लिया और आज रिजल्ट देख रहे हो आप। तो दोस्तों ये वही बात है कि पहले इन्होंने थोड़ी वीडियो देख ली, बाई चांस इनको वीडियो नजर में आ गई, फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर उसके बाद इन्होंने विजिट किया क्लिनिक तो इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के। अगर जो आपके मन में भी हेजिटेशन है ना कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लो है कि अरे बाल नहीं आएंगे, तो एक बार आप अपने आसपास के क्लिनिक में या किसी भी क्लिनिक में जाओ। वहां जाने के बाद आप डॉक्टर लोगों से मिलो, वहां के पेशेंट के रिव्यू देखो, वहां के पेशेंट के रिजल्ट देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके का काम करते हैं, क्या वहां पर बाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते। सही बात है ना? सही बात है। और मैं अभी फैमिली मेंबर को भी बोलता हूँ कॉन्फिडेंस लेके, भाई तू भी कर ले, तू भी कर ले। अच्छा, अच्छा फैमिली में और भी लोग गंजे हैं? एक मतलब दूर के मतलब ऐसे कजिन वगैरह, उनको बोलता हूँ भाई कर, कुछ नहीं होता है। पहले डरता था साला, मैं प्रॉब्लम में आएगा, फिर वो एक घबराहट सबके घर में रहती कि, और आजकल न्यूज पे भी दिखता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में ये हो गया वो हो गया, कुछ प्रॉब्लम आता है। मैं करने के पहले स्टार्टिंग में पहले करने के पहले ओपिनियंस लिया था मत कर, मतलब मैंने देखा था कि उसका प्रॉब्लम हो गया, अरे उसका वो बहुत ये डिफरेंट रहता है, सर में वो सुई लगा दे बहुत डिफरेंट रहता है, मत करा। फिर बोला कि अब भी कॉन्फिडेंसली सबको बोल सकते कुछ नहीं होता इससे, फुल सेफ है ये और करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आज मैंने देखा, मतलब आज मैं पीआरपी के लिए आता हूँ या सबके लिए आता हूँ, मिलता हूँ सबका, सबका रिजल्ट भी अच्छा है और सब लोग बोलते हैं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ, साइड इफेक्ट ऐसा कोई, आज तक तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बोला, कोई नहीं मिला। तो हाँ। मेरे को तो लगता है मैं सबको घर को वाले को सजेस्ट करता हूँ, तो सोच लो यार, घर वाले को सोच रहे हो तो सेफ है, बहुत सेफ है और करना जिसको लगता है भाई करना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर लो, मेरा ओपिनियंस है यार। तो जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि इन्होंने आज तक इस क्लिनिक के अंदर एक भी बंदे को ऐसा नहीं देखा जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, इन्फेक्शन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर को भी बोलते हैं कि वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और उन्हें कोई इशू नहीं होगा। अब इन्होंने ये बात बोली कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि इन्हों के साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप अनक्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड क्लिनिक के अंदर जाते हैं या फिर इधर उधर ऐसे ही क्लिनिक चलाते हैं, झोला छाप क्लिनिक जिसे मैं बोलता हूँ, उसमें चले जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉपर क्वालिफाइड क्लिनिक के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको इश्यू नहीं होगा। सही बात है ना? वही बोला, इसलिए ये मैं वही बोला ना, फैमिली मेंबर करना है तो इधर से कर ले, यही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि इधर से भी कर। मेरे को इधर से कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं घर वाले को बोल रहा कि भाई इधर से कर, मैं ये कर रहा हूँ कि जो रिजल्ट देख लो पहले किससे किसको आया है कैसे आया, उसके बाद वो क्लिनिक से करवाओ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इधर से ही करवाओ, लेकिन जैसे आपने बोला था कि पहले देख लो किसका रिजल्ट आया है, हाँ। क्लिनिक में देखो रिजल्ट, हाँ। उसके बाद करो, वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ। कि देख लो पहले, नॉलेज ले लो, बाद में ही कर लो, हाँ। लेकिन मेरा एक बात कहना है कि सेफ है ये सर्जरी करना, सेफ है, सेफ है, ये मेरे कहने का बड़ा पॉइंट है कि ये सेफ है, रहता है कि जो अपन डरते हैं कि इससे ये होता है प्रॉब्लम होता है बाद में, ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेडिसिन के बारे में भी आपने बोला था कि मेडिसिन में बाद में प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। मैंने 6 मंथ तक आज तक खा रहा हूँ,
मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो बताओगे जरा? जो आपने बोला था ना वो कौन सा एक फिनेस्ट्राइड का वैसा, मेरे को भी सब लोग मतलब देखा था मैंने चैनल पे, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब सेफ रहता है। अगर जो लोगों आपने दिमाग में बिठा लेना कि इससे ये होता है तो सारे छोटा बंटी बना ही कर देगा, मैं नहीं जाग रहा मैं सोता बंटी सेफ होता है, वो बहुत सेफ रहता है, मेडिसिन सब सेफ रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। फिर बाकी सब अब तो रिजल्ट देख रहे हो, उसके बाद डिसाइड कर लेना। तो दोस्तों अगर जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, जैसे मिनोक्सिडिल पीआरबी कुछ मेडिसिन है वो टाइम टाइम पर लेनी पड़ती है, क्योंकि जब हमारे नेचुरल बार जो भगवान ने लगाए थे वही झड़ गए, तो ये तो ट्रांसप्लांटेड है, डॉक्टर ने लगाए तो झड़ सकते हैं दूसरे कारणों से, डीएसटी की वजह से नहीं झड़ेंगे क्योंकि डीएसटी रेजिस्टेंस होते हैं हमारे बाल, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी से आपके बाल झड़ सकते हैं, तो इसकी थोड़ी बहुत केयर करके अपने को रखनी पड़ती है। तो भाई पहली बार इतना मजेदार इंटरव्यू हुआ है, थैंक यू वेरी मच इंटरव्यू देने के लिए। मैं भी पहली बार बात कर रहा हूँ मैं भी पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये भी पहली बार है। तो इन्होंने मुझे बोला थोड़ी देर पहले आने से पहले कि भाई मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैं वीडियो देखता था कि मैं आपकी आप ही बताओ वाला मैं सोचा नहीं था कि वीडियो देखाऊंगा तो मैं इनके साथ बनाऊंगा कभी वीडियो आज बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इन्होंने वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप भी बोल दो जरा, मेरी तो सुनते सब्सक्राइब तो सब लोग करते हैं, मैं भी किया है, आप भी करना। चलो बाय बाय।